है दांत का उल्टा चश्मा। रोशन भाभी घर आने के लिए निकल चुकी है। अभी कोई रास्ता नहीं बचा है, सब रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। लगता है रोशन भाभी के पास घर की चाबी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, चाबी नहीं है वो दरवाजा नहीं खोल पाएंगी, खुद ब खुद वापस चली जाएगी। सब लोग शांत रहो। ये रोशन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ये अच्छा किया छोटी तूने, रोशन भाभी को घर की चाबी नहीं दी। चाबी से दरवाजा खोल के उसको सरप्राइज देती हूँ, वो खुश हो जाएगा। एक मिनट, रोशन भाभी पर्स से चाबी निकाल रही है। क्या ही गए? सॉरी, बालकनी में आने का तुम्हें अच्छा सूझा। ओ जेठा ब्रा, वो इतने थे आगे। आगे की? हाँ, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? कैसे बाहर कैसे निकलेंगे? वो छेती दसो। रोशन लव्स रोशन, खुदाई जी। ओह माय गॉड, रोशन ने वीडियो कॉल के लिए घर कितना अच्छा सजाया है और घर जो केक कटिंग के लिए ऑलरेडी रेडी है। एक केक खो गई, मुझे बाहर भूली गई, ओपन साओ गैले छाओ पर रेडी छे। रोशन का घर, रोशन देखा ही कहीं नची रहे हो। रोशन डार्लिंग, कहाँ छे तू? हूँ आ भी गई। ये रोशन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आरी हूँ, सुनिए। मुझे लगता है अब्दुल भाई ने उसको बोल दिया होगा कि मैं आ गई हूँ, इसलिए वो मुझे सरप्राइज देने के लिए छुप गया है। नॉटी, अपना पकड़ूँ। रोशन कौन से तू? रोशन, देख मैं आ गई। रोशन, रोशन, रोशन किधर गया? बोगी के रूम में होगा। अच्छा खासा सोडा शॉप से घर जा रहा था। जेठा, तुम्हारी वजह से हम सब फंस गए। मेरी वजह से नहीं मेहता साहब, ये भीड़े की वजह से। और नहीं तो क्या? अगर तूने मेरी बात मान ली होती कि छोटी पार्टी सार्टी नहीं कर रहा है तो हम यहाँ चेकिंग करने आते ही नहीं और सोडा शॉप से सब सीधे अपने घर चले गए होते। अरे लेकिन बात मान ली होती तो पता कैसे चलता कि ये भाई साहब पार्टी सार्टी कर रहे हैं? बात नहीं मानी इसलिए पता चला ना कि ये पार्टी शार्टी कर रहा है। तो एक तरीके से तो अच्छा हुआ मेहता साहब के हम इधर आए, वरना ऐसी हालत में अगर ये छोटी अकेला होता तो फिर जीवन भर अकेला ही रह जाता और फिर पोपटलाल को तो कॉम्पिटिशन हो जाता। क्या हो जाता?
पत्रा करो कि तुमको कॉम्पिटिशन नहीं मालूम है। नहीं पता भाई, ये पहली बार सुन रहा हूँ। कौन सी भाषा का शब्द है? अरे इंग्लिश। इसको हिंदी में क्या बोलता है? अरे भाई। ओ हरी भाई। हरी भाई ना अरे हरी भाई। अरे ते कळलं रे मला। हरी भाई गुजराती शब्द छे। तुम जो बोल रहे हो उसको इंग्लिश में कंपटीशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रतियोगिता। हाँ तो पोपटलाल को समझा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी समझ गया भाई, लेकिन मुझे क्या कंपटीशन? तुम भी अकेले फिर छोटी भी अकेला हो जाता तो तुम दोनों के बीच में हरीफाई होती ना, कि हम दोनों में से पहले कौन शादी करेगा। अरे आप लोग क्या बातें देखे बैठ गए हो, आगे क्या करना है वो सोचो। अभी रोशन भाभी सोड़ी को यहाँ ढूंढ के आ गई तो रोशन 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 तो गोगी के रूम में भी नहीं है, लेकिन गोगी ने तो बोला था कि रोशन घर पे ही है। किचन में छुपा होगा रोशन। मेरी रोशन पूरे घर में मैंने ढूंढ रही है और मैं इतने हो कि उसके पास जा नहीं सकता। ये सब है ना थोड़ी, पार्टी शार्टी करने से पहले सोचना चाहिए था। ओए पिरू, मैं पार्टी शार्टी नहीं करना चाहता था। ये तो मेरे बचपन के दोस्तों ने दोस्ती का वास्ता दे के पार्टी शार्टी करवा ली। भी जो हो गया है वो छोड़ो, आगे क्या करना है वो सोचो। चल तरना। अब दोस्तों एक ही रास्ता है। क्या, 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 क्या? हमें यहीं से नीचे जाना पड़ेगा। तो मेहता साहब हम यहाँ से नीचे गए तो सीधे ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे? कूद के। ए भाई। नहीं मैं जंप नहीं मारूंगा। अरे आप क्या, कोई जंप नहीं मारेगा भाई। मैं जंप मारूंगा। क्यों? अरे सोडी, मैं यहाँ से कूद के नीचे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ से छज्जे पे जाएंगे और छज्जे से भिड़े की बालकनी में जाएंगे और भिड़े के घर से होके सीढ़ी से नीचे जाएंगे। ये अच्छा है। ठीक है चलो 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 चलो। मैं कैसे आऊंगा? अरे आते भाई का क्या करेंगे? अय्या छुपाया चैन पकड़ा गई। तो किचन में भी नहीं है, पूरे घर में नहीं है, रोशन गयो का? खुदाई जी रोशन तू कहाँ गयो? एक मिनट। सोड़ी ये कार का कवर है ना? हाँ मिल गया रास्ता। हम इस कवर से हाथी भाई को कवर कर देते हैं। ठीक है मैं ही टायर पे बैठ जाता हूँ, आप ये कवर से मुझे कवर कर दीजिए। नहीं हाथी भाई यहाँ नहीं, यहाँ तो आप दरवाजा खुलते ही दिख जाएंगे। तो आप वहाँ उस कोने में जाके बैठिए। ठीक है ये टायर वहाँ रखवा दो, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं हाथी भाई ये टायर तो हमें चाहिए करना है, यहाँ रख के उसके ऊपर चढ़ के छज्जे पे जाने के लिए। ठीक है मैं नीचे बैठ जाता हूँ। अरे टायर मत हिलाओ। अरे तुम कांप रहे हो, डर के मारे। क्या डर रहे हो? उससे क्या बोल रहे हैं? कांप रहे हो डर के मारे। क्या हुआ? बहुत ऊंचा है। तो वापस आ जा, वापस आ जा।
ऊपर देखो, ऊपर देखो, इधर कैसे हो? सॉरी मतलब नीचे मत देखो। अच्छा भैया भाई इजी इजी है, एकदम एकदम इजी है, बिंदास आ जाओ। लेकिन फिर भी संभाल के आ। चाइनीज को डर रहे हैं आप? डर नहीं रहा हूं। आहिस्ता सोड़ी, तू वैसे डगमगा रहा। कर क्या रहे? अरे वो टायर वाला मुंडा जगह पे रख रहा है वापस, होशियार है। तरी पर लग्न होत में वो मुझे छींक आ गई थी। चो, चो, चो। छींक आ गई थी हाथी भाई को, छींक। बाकी सब ठीक है। अरे आवाज तो इधर से आया था। इधर तो है ही नहीं। हे भगवान मुझे बचा लो, रोशन भाभी कहीं मुझे पकड़ ना ले। मेहता साहब कहीं हाथी भाई पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? रोशन भाभी आते तो क्या सब पकड़े जाते हैं। चलो चलो चलो, एक मिनट। माधवी भाभी और सोनू सो गए होंगे ना? पता चला हम लोग अंदर गए और वो लोग जाग रहे हैं। मेहता साहब शुभ शुभ बोलो। नहीं वो सो रहे होंगे। चलो चलो चलो। रोशन पूरी घर की लाइट चालू रखे किधर चला गया? मैं फोन करती हूँ उसको। नहीं नहीं फोन करूंगी तो पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा एनिवर्सरी का। एक काम करती हूँ, भीड़े भाई से पूछती हूँ वो किधर है, उनको जरूर पता होगा। धीरे से दरवाजा बंद करो, धीरे से। क्या करो तुम लोग, कहाँ आ रहे हो? तेरे पीछे पीछे। अरे मैं तो बेडरूम में जा रहा ना, ये देखने माधवी सो रही कि नहीं सो रही। रुको रुको,
रोशन पा भी आया। बार बोला इनको चाबी लेके जाया करो, लेके जाया करो, बड़ा ही कतस ने दज। अब चाब रोशन भाभी। अरे नहीं, वो तो मैंने रोशन को ऐसे ही बोला था। मैं उसको एनिवर्सरी की सरप्राइज देना चाहती थी ना, इसलिए मैं आज ही आ गई। रोशन भाभी सोडी को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन सोडी को इस हालत में देखेंगे तो खुद सरप्राइज हो जाएगी। ओ यारो, मेरी रोशन इतनी ही है, मेरे इतने कॉल है, फिर भी मैं उसको मिल नहीं सकता, प्यार की जबकि पा नहीं सकता। लेकिन माधवी भाभी मेरे को एक और सरप्राइज मिला। और एक सरप्राइज दे रहे सोड़ी भाई? हाँ। सोड़ी भाई बेटे, सोड़ी भाई काय काय गए? रोशन ही नहीं मिला तो सोड़ी भाई को फोन करके पूछ लीजिए ना। माधवी भाभी फोन करूंगी तो मेरा पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे हाँ, ते पड़े। तो गोगी भी नहीं है घर पे? नहीं, वो तो अपने फ्रेंड के घर पे नाइट स्टे के लिए गया है। ओ अच्छा, मैं नहीं भेजा उसे। तो उसको फोन करके पूछ लीजिए ना कि पापा कहाँ, मतलब सोड़ी भाई कहाँ है ऐसा। अरे हाँ। ये लेवल भी क्रॉस हो गया। यस, एक मिनट, मम्मी का कॉल। हाँ हाँ मम्मी, पहुंच गए आप? हाँ डिकरा, पहुंच ही गए। कैसा लगा पापा को सरप्राइज? कहाँ डिकरा, तेरे पापा तो घर पे ही नहीं है। ओ तेरे पापा घर पे नहीं है? नहीं, तुझे पता है पापा किधर है? नहीं, मुझे तो बोला था वो घर पे रहेंगे और 12 बजे आपको वीडियो कॉल पे विश करेंगे। तो पछिए घेलो गयो का। डोंट वरी मम्मी, मैं कॉल करता हूँ उनको। अरे नहीं नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगी। इधर ही होगा, इधर जाएगा। ओके ओके मम्मी, कल सुबह मिलते हैं। बाय दिकरा। गोगी को भी नहीं पता रोशन किधर है, कहाँ गयो आई मो। सोड़ी भाई कहाँ गए होंगे? अब भीड़े भाई किधर है? शायद उनको पता हो, वो सोडा पीने गए हैं। पर मैं तो अभी अभी अब्दुल की दुकान से आ रही हूँ, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। ओ तेरी विक गए पांडे, वो कहाँ चले गए सब? रोशन बन गायब, आखी पुरुष बनली बन गायब, आईपन गायब। उम्मीद है। माधवी भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मिलके पार्टी शार्टी कर रहे हो? अगर आज उसने पार्टी शार्टी की ना, तो मैं उसकी लस्सी बना डालूंगी। ओ यारो, अगर आज मैं इस हालत में पकड़ा गया ना, तो ये शेरनी मुझे कच्चा चबा जाएगी। ओए जल्दी जल्दी कुछ सोचो यारो। अरे रोशन भाभी, मुझे नहीं लगता वो पार्टी शार्टी कर रहे होंगे। ये सोड़ी भाई कितने एक्साइटेड थे आपको सरप्राइज देने के लिए, और वीडियो कॉल करके विश भी करने वाले थे आपको। हाँ हाँ, वाह माधवी भाभी मस्त होशियार। हाँ तो उस प्रॉब्लम है पर। मेरे रोशन ने मेरे लिए कितना सोचा, घर सजाया था। मेरा रोशन मुझसे कितना प्यार करता है। है कितना अच्छा सोचती है रोशन मेरे बारे में, और मैंने मैंने क्या कर दिया। कितनी मुश्किल से, कितनी मशक्कत से हम सोडी को भिड़े की बालकनी में लेकर आए थे कि रोशन भाभी वहां भी आ गए।
बचपन में जैसे हम छुपा छुपी का खेल खेलते थे ना, ठीक वैसे ही हम सोडी को रोशन भाभी से छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर सोडी उनके हाथ लग गया, उसकी सच्चाई सामने आ गई, तो रोशन भाभी उसे कभी माफ नहीं करेगी। ऊपर से वो फंसा तो हम भी फंसेंगे, क्योंकि सोडी का साथ देकर हम भी पार्टनर्स इन क्राइम बन चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि भिड़े की बालकनी से जाए कहां। अगर सोडी को रोशन भाभी से बचा भी लिया तो पूरी रात हम क्या करें, उसे कहां लेकर जाए। हमारे घर वाले टेंशन में हमें ढूंढेंगे तो हम अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे। इस सोडी की तरह हमारी सिचुएशन भी बहुत टाइट है। अगर रोशन भाभी गलती से बालकनी में आ गई ना, तो पता नहीं क्या होगा। तो बच गए तो सोडी को कहां लेकर जाएंगे, अपने घर पे तो नहीं लेके जा सकते। तो ये सिचुएशन रस्सी की तरह उलझी हुई, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतनी उलझती जा रही। तो दोस्तों अब हमारा सोडी का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक काम कर, तू ना अंदर जाके रोशन भाभी को थोड़ा बातों में उलझाना। तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से वापस सोडी की बालकनी में से होके नीचे चले जाएंगे।